नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी लेके आया हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और जानकारी वाला होगा। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे और बहुत से इंपॉर्टेंट मेडिसिन पे बनाए हुए हैं, आप जाके उनको जरूर देखिए। हमारे चैनल पे आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको टाइम पे सही जानकारी और सही वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन की, जिसके बारे में आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। मेडिसिन का नाम है जोनेसिया अशोका, उसका आज हम मदर टिंक्चर के बारे में बात करेंगे। जोनेसिया अशोका को इंडियन लैंग्वेज में भारत में अशोका ट्री के नाम से भी जानते हैं। इससे बहुत सारी अच्छी अच्छी मेडिसिन बनती है। सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन बनती है वो फीमेल डिजीज के रूप में काम आती है। अगर किसी को यूट्राइन प्रॉब्लम है उसके लिए आपको अशोका की जो चाल होती है उसकी मेडिसिन बना के दी जाती है अपने इंडियन या आयुर्वेदिक रूप में। होम्योपैथी में हम इसके मदर टिंक्चर के बारे में बात करेंगे। अगर किसी फीमेल को लिक्यूरिया है यानी सफ़ेद पानी की शिकायत है, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें आप इसको जोनेसिया अशोका मदर टिंक्चर को आप दे सकते हैं। दूसरा, अगर किसी के हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, ज़्यादा अगर ब्लीडिंग है, मेनोरेजिया की कंडीशन है, उसमें भी इसका बहुत ही अच्छे यूज होते हैं। अगर किसी के मेट्रोरेजिया है, बार बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, कंटिन्यू और प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग रहती है, तो उसमें भी आप ये अशोका क्यू मदर टिंक्चर को आप दे सकते हैं। अगर आपके वायलेंट पेन एब्डोमन है, नौजिया है, फटीगनेस है, आपको उल्टी जैसा लग रहा है, आपके सर्विकल रीजन में पेन हो रहा है, तो उस जगह पे भी आपके जोनेसिया अशोका मदर टिंक्चर का बहुत ही बड़ा उपयोग साबित हुआ है। डिलीवरी के बाद में किसी लेडीज को अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, लोचिया जिसको बोला जाता है, उसमें आपके यूट्रस की जो स्किन जो टिश्यू होते हैं वो ब्लड ये साथ में निकलते रहता है, लंबे टाइम तक अगर इसके शिकायत रहती है, तो उसमें भी आपके जोनेसिया अशोका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। अगर आपके यूट्राइन डिजीज की वजह से हेडेक है, वर्टिगो है, वॉमिटिंग है, तो उस कंडीशन में भी ये अशोका आपके बहुत ही अच्छा काम करती है। किसी भी तरह की एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग अगर आपके होती है, अगर आपके यूट्रस के अंदर की स्किन अगर टिश्यू वहाँ के डैमेज हो रहे हैं, अगर आपके यूट्रस के अंदर सूजन है, अगर आपके ब्लैडर के अंदर भी सूजन है, अगर सिस्टाइटिस की कंडीशन है, उस कंडीशन में भी आपके जोनेसिया अशोका मदर टिंक्चर बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। इन शॉर्ट, अगर आपके यूट्राइन कंडीशन है, अगर यूट्राइन डिजीज है, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है, यूट्रस के अंदर सूजन आ गई है, अगर वहाँ के एडिनोमाइसिस हो गया है, टिश्यू जो है वहाँ के डैमेज होके यूरिन के साथ में या फिर ब्लड के साथ में बाहर आ रहे हैं, अगर आपके मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया या फिर आपके बहुत हैवी ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो रही है, डिलीवरी के बाद में अगर आपके ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, सारी कंडीशन में आपके जोनेसिया अशोका बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। और यूटेराइन डिजीज की वजह से आपको जो भी सिम्टम्स पैदा होते हैं, उन सारे सिम्टम्स को कवर करने के लिए आपके जोनेसिया अशोका बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में या आपके आसपास में अगर किसी को यह बीमारी है, तो आप उसको एज ए यूटेराइन टॉनिक या फिर यूटेराइन डिजीज के रूप में यह मेडिसिन दे सकते हैं। देने के बाद में आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं हमें वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपकी फीडबैक हमें नए वीडियो और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नए और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।